हाई वेटेज चैप्टर है। उसके बाद सेमीकंडक्टर भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो 7 से 8 मार्क्स के लिए ये आएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स सभी को करके जाना है। अगर आप इन टोटल क्वेश्चंस का सम करोगे इट्स अराउंड 30 क्वेश्चंस। आप यहाँ से आराम से 30 मार्क्स। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस अभी आप सभी की MHT-CET 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी उस प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट अप करते हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि लास्ट 7 डेज में आपको क्या चीज़ें करनी है और किन चीज़ पे फोकस करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि MHT-CET 2024 के लिए फिजिक्स के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर टू स्कोर कौन कौन से। अगर आपकी प्रिपरेशन 0 हुई है तो सबसे पहले ये इजीएस्ट चैप्टर पकड़ो, उनको अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करो, इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है तो इन चैप्टर पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स भी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस फाइनली भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो MHT-CET 2024 फिजिक्स 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू फोकस। अगर आपकी प्रिपरेशन 0 हुई है तो सबसे पहले इन 10 चैप्टर पे फोकस करना, क्योंकि इजी टू स्कोर चैप्टर्स है। उसके बाद अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हुई है तो रिवीजन पे भी इन 10 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स लेके जाएंगे। हम इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में 25 से 30 मार्क इन 10 चैप्टर से कैसे आ सकते हैं। बाकी के मार्क्स आपको अदर चैप्टर से लाने, बट 25 से 30 मार्क मैं गारंटी करता हूँ आप इन चैप्टर से ला सकते हो। सो दिस इज द लास्ट 7 डे स्ट्रेटजी फॉर यू ऑल। सो गाइस फाइनली इस वीडियो का मैं शॉर्ट रखूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। इस चैनल पे आप सभी को MHT-CET एग्जाम के रिलेटेड हर चीज़ मिलने वाली है, चाहे वो आपकी स्ट्रेटजी वीडियो हो, मॉक टेस्ट हो, चाहे कॉलेज की काउंसलिंग प्रोसेस हो, कॉलेज रिव्यू हो, ब्रांच रिव्यू, हर चीज़ इस चैनल पर आएगी रिगार्डिंग MHT-CET। सो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो गाइस ये हुआ। फाइनली अभी हम स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन द लास्ट 7 डेज। सबसे पहले लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट देनी है। हर दिन मॉक टेस्ट मत देना, आपका टाइम पास होगा। आप अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट दो, बीच का जो दिन आएगा उसमें रिवीजन के लिए टाइम रखो। रिवीजन भी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस भी करना है कि मॉक टेस्ट में आपने मिस्टेक क्या की है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट का स्कोर आ गया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मॉक टेस्ट आपने दिया, 3 घंटे पेपर बैठ के दिया, उसके बाद 2 घंटे वापस दो, 2 घंटे में एनालाइज करो मॉक टेस्ट में आपके कौन से चैप्टर्स वीक है, कहाँ पर आपका वीकनेस आ रहा है, क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं रह रहे, कंसेप्ट याद नहीं रह रहे, जो चीज़ याद नहीं रह रही सॉल्यूशन देखो, रिवाइज करो। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस हर बच्चे को करना ही चाहिए, अगर मॉक टेस्ट देकर भी कोई फायदा नहीं रहेगा। ये हुआ। सेकंड, फोकस ऑन रिवीजन। मैंने आपको बोला अल्टरनेट डेट्स पे मॉक टेस्ट देना, बीच का दिन रिवीजन के लिए रखो। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट देने में टाइम पास करोगे फिर आपका रिवाइज ही नहीं होगा चैप्टर्स। सो रिवीजन करो बीच के दिन में और वापस से नेक्स्ट डे को मॉक टेस्ट दो। रिवीजन भी करोगे तो इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस रखना। इसके ऊपर पूरी सीरीज आएगी। अभी इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम केमिस्ट्री के ऊपर करेंगे और मैथमेटिक्स के ऊपर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियोज़ मैं बहुत जल्द रिलीज कर दूंगा। सो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। केमिस्ट्री के लिए आपको टेक्स्ट बुक करनी है, मैथ्स के लिए आपको फॉर्मूला एंड कंसेप्ट दोनों करके जाने हैं। मैथ्स में इसके आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या है और स्टेप्स क्या है। स्टेप्स याद रहेंगे तभी आप मैथ्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिजिक्स के लिए फॉर्मूला रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में 50 में से 30 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, लिख कर रख लो आप ये चीज़। 50 में से 30 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलने ही वाले। सो फॉर्मूला फिजिक्स के लिए ज़रूर करके जाना। PYQs का एनालिसिस करना, अभी टाइम बहुत कम है, सारे PYQs सॉल्व करने मत बैठना। आपको बस PYQs देखना है, दिमाग में आपको थोड़ा एनालाइज करना है कि आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं, उसका सॉल्यूशन देख कर ज़रूर जाना। सो गाइस PYQ एनालिसिस आपको लास्ट मिनट पर करके जाना है। एंड गाइस फाइनली बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द एक्सेप्शन। आप एक्सेप्शन हो, आप लास्ट 7 डेज में भी 95+ परसेंटाइल क्रैक कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स के 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको क्विकली बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स देके जाएगा। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस KTG एंड रेडिएशन 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स देके जाएगा। थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। सो दोनों के लिए आपको एक साथ प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा फॉर्मूलाइज में डिफरेंस है, याद रखना। वर्क डन का फॉर्मूला में -sin का डिफरेंस आता है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये चीज़ याद रखो। तो थर्मोडाइनमिक्स से 3 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स देके जाएगा। ऑसिलेशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव से 5 क्वेश्चन। ये 2 चैप्टर्स है बट दोनों चैप्टर लिंक्ड है आपस में, तो दोनों को साथ में करना और 5 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 मार्क्स के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 मार्क्स के लिए। दोनों इजी चैप्टर है और दोनों बेसिक्स ऑफ आवर इलेक्ट्रोफिजिक्स है। तो दोनों का आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, क्योंकि आपको आगे इंजीनियरिंग में ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद EMI एंड AC सर्किट्स। EMI AC सर्किट पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको थोड़ा अच्छे से फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना है और पीवाईक्यू जरूर देख कर जाना। इस चैप्टर से पीवाईक्यू से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं और थोड़ा बस फॉर्मूला मतलब पीवाईक्यूज में आप करोगे तो बस थोड़ा न्यूमेरिकल्स में थोड़ा चेंजेस रहेगा, वैल्यूज़ में चेंजेस रहेगा, बाकी पीवाईक्यूज जैसे ही क्वेश्चन मिलने वाले आपको। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको ईएमआई एंड एसी सर्किट से भी देखने वाले हो आप। उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स किसी को नहीं छोड़ना। मॉडर्न फिजिक्स पे जितना फोकस हो सके लास्ट मिनट पे करके जाओ। मॉडर्न फिजिक्स के हर एक फॉर्मूला आप सभी को रट्टा होने चाहिए, नींद में उठा के भी पूछे तो मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूला आने चाहिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड गेम। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर आते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इन दोनों चैप्टर से आप देखो 7 से 8 क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है। सो बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है। उसके बाद सेमीकंडक्टर भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो 7 से 8 मार्क्स के लिए ये आएगा। सो ये मॉडर्न फिजिक्स आप सभी को करके जाना है। अगर आप इन टोटल क्वेश्चन का सम करोगे इट्स अराउंड 30 क्वेश्चन, आप यहाँ से आराम से 30 मार्क्स गेन कर सकते हो फिजिक्स के। सो इन 10 चैप्टर पर सबसे ज़्यादा अपना फोकस रखना। दैट्स ऑल अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग योर फिजिक्स स्ट्रेटेजी। फिजिक्स के लिए प्लीज़ अगर 0 प्रिपरेशन है इन 10 चैप्टर पे स्टार्ट करना शुरू कर दो। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। पढ़ाई के लिए बैठे हो, टारगेट लेके बैठो, जब तक टारगेट खत्म ना हो उठना मत, पढ़ाई करते रहो। लास्ट मोमेंट है, लास्ट 7 से 10 दिन बचे, जितना पढ़ सको पढ़ लो। उसके बाद 3 महीने आपको आराम ही करना है। 3 महीने जितना सोना है उतना सोना, 3 महीने जितना घूमना है उतना घूमना, बट अभी के 7 से 10 दिन प्लीज़ पढ़ाई कर लो। सो गाइस दैट्स अ स्मॉल वीडियो। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर देना। ऐप पे आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, फ्री मॉक टेस्ट भी ऐप पे अवेलेबल है, मॉक टेस्ट पेड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। सो आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको कोर्स में जाना है, कोर्स में कंटेंट में जाना और कंटेंट में फ्री कंटेंट भरा पड़ा है। डोंट परचेज दी कोर्स, कंटेंट में जाके फ्री कंटेंट एंजॉय करो। बाकी यूट्यूब पे तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।